Good afternoon, I'm Faisal Sahib. I'm over here and Mughal Ujala Cyber and Pure Discussion team. So whenever the site is, timing is, are you ready? Let me know. I'm exactly over here, 12:30. Timing is changed. Yes, yesterday. But I was saying 12:30 German time. So right now is 12:37. अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कल कर लेंगे. आई जस्ट वेट फ्यू मिनट, अदरवाइज वी मेक इट अनदर डे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं. और मैं एडवेंस टीम से भी कहना चाहता हूं कि कनाडा का टाइम तो 3-4 दिन पहले या शायद विद इन अ वीक चेंज हो गया था बना. जर्मन का टाइम कल ही चेंज हुआ है और जर्मन और इंडिया के टाइम में 4.5 घंटे का फर्क होता था, पाकिस्तान के टाइम में 4 घंटे का, वो अब डिक्रीज होकर 1 घंटा कम हो गया है. यानी कि पाकिस्तान और जर्मन के टाइम में 3 घंटे का फर्क हुआ करेगा और इंडिया और जर्मन के 3.5 घंटे का. तो प्लीज ये सब लोग नोट कर लें ताकि अगले कभी इस बार प्रॉब्लम ना हो. शुक्रिया. हम माइक हैंड ओवर करते हैं तो मुगल मैम के वो सवालों जवाब की नशिस्त की शुरुआत करें और मोहतरम जाहिद खान साहब से सवाल करें. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. शुक्रिया फैसल भाई. एक्चुअली ये टाइम चेंज का हमें पता नहीं था कि जर्मनी में टाइम जो है वो 1 घंटा पीछे हो गया, तो अंदाजा नहीं था. चलें बहरहाल शुरू करते हैं. जाहिद खान साहब मौजूद हैं जी? मोहतरम जाहिद खान साहब वेलकम. हमने 26 पॉइंट्स कवर कर लिए थे आपकी बुक के और आज 27वां पॉइंट है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट 25, 26वें और 24वें पॉइंट से मिलता जुलता है. उसमें आपने फरमाया है कि पैगम्बर इस्लाम ने आपके सामने ये भी एतराफ किया आलमे अरवाह में, उन्होंने बताया कि कई मौकों पर मैंने यहूदियों पर हमले किए और उन्हें और उनकी औरतों और बच्चों को जुदा कर दिया, उनकी औरतों और बच्चों को लौंडियां और गुलाम बनाकर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया और नौजवान यहूदियों को कत्ल तक करवा दिया. अब मेरा सवाल इसमें यह है कि जाहिर है इतने बड़े बड़े कदम उठाने के पीछे कुछ वजूहात भी होंगी. यहूद जो थे उनको आदत थी, वो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते थे और मुशरकीन के साथ मिलकर साजिशें करते थे, और कुरान पाक के मुताबिक तो पहले भी खुदा ताला उन पर गजबनाक था, इसीलिए उनमें पैगंबर आने भी बंद हो गए थे. तो क्या ऐसा ही कुछ वो अपने पैगंबरों के साथ भी करते थे और वही कुछ उन्होंने रिपीट किया यहाँ पैगंबर इस्लाम के साथ? ये बात तो बहुत दुरुस्त है कि वो अपने अंबियाओं के साथ भी यही सलूक करते थे, इसमें कोई शक नहीं. फर्क ईसा में और मोहम्मद साहब में ये है कि सबसे बदतरीन सलूक जो है वो उन्होंने याहिया से किया और दूसरे अंबिया से, और ईसा को क्रॉस पे चढ़ा दिया. फर्क ये है कि ईसा ने क्रॉस पे चढ़ के कहा, ए बाप ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए तू इन्हें माफ कर दे. बस ये दो अल्फाज हैं आज ईसाई और यहूदी शक्कर और गुड़ यानी कि आपस में शीरी हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और जितना ईसाईयत प्रोटेक्ट करती है यहूदियों को इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वरना यहूदियों का जमीन से सफाया कर देना था मुसलमानों ने. अब आते हैं मोहम्मद साहब की तरफ.
मैं जैसे पहले बयान कर चुका हूँ कि ये कुरानी आयात जो हैं, इनमें से कसरत से खुदा की तरफ से कोई नहीं है। कम से कम अगर मैं लगाऊं हिसाब तो 5 से 10% के दरमियान बनती है ये यूनिवर्सल टीचिंग। बाकी सब जिब्राइल, फरिश्ते और इसमें अबलीस के भी पैगाम आ गए हैं और मोहम्मद साहब की हिकमतें। तो कुरान मखलूक है, लेकिन मोहम्मद साहब का रवैया जो था वो बड़ा शिद्दत से इनके खिलाफ था, नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी। तो जिसके नताइज 1500 साल हो चुके हैं और आप देख लें कि मुसलमान यहूदियों के खून के प्यासे हैं, अगर मुसलमानों में थोड़ी सी रहम या कोई जज्बा होता तो मैं समझता हूँ बनी इसराइल ज्यादा इतना ब्लॉक ना करते मुसलमानों को, बल्कि अच्छे भले ताल्लुकात हो जाते। लेकिन इसकी बुनियाद डालने वाले मोहम्मद साहब खुद है, खुदा नहीं है बल्कि जिब्राइल भी नहीं है। जी मोहतरम, शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया कि पैगामात बाज इबलीस की तरफ से भी हैं, तो ये बहुत बड़ा क्लेम है और ये बात आपने अपनी किताब में भी लिखी है कि बाज औकात लूसीफर जिब्राइल के भेष में जाहिर होकर पैगम्बर इस्लाम को अपनी तरफ से भी मैसेज दे देते थे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ जबकि कहा जाता है कि वही जो है वो 70,000 फरिश्तों के जलू में आती है और कहीं उसमें कोई वो मिलावट नहीं हो सकती, और इस तरह के सितारे हैं जो मतलब इबलीस की तरफ मार करते हैं और उनको गिरा देते हैं, वो आसमानों पर जाकर कुछ सुन गुन लेने की कोशिश करें, तो इस तरह की जो बातें हैं फिर इन सब का क्या मतलब है? सितारों की तो हम बातें ना करें, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था मेरे 10 असाबी असाब सितारों की मानिंद है, जो कोई इनकी गाइडनेस लेगा वो जन्नतों में जाएगा। 10 के 10 ने एक दूसरे को मारकर अगले जहान में पहुंचा दिया। दूसरा नंबर ले लेते हैं उस्मान के भाई का, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, वो तो खुद कहता है कि कुरान जो है उसमें बहुत सी चीजें तो मैंने अपना डाली हैं, जब वो भाग के निकल गया था मक्का की तरफ और मोहम्मद साहब ने लोग भी भेजे उसको कत्ल करने के लिए, तो उसने कहा कि इसके अंदर जो मैं जब मोहम्मद साहब को जब कोई बात नहीं सूझती थी तो मैं कहता शायद ये कहा हो, तो कहते हाँ हाँ ऐसी है। तो फिर वो कत्ल नहीं हो सका क्योंकि उस्मान उसको पर्दे के रूप में लेके आए। ये बड़ी लंबी दास्तां है। अब आते हैं जिब्राइल की तरफ। कुरान में और हदीस में वजाहत है कि अल्लाह जो है वो उन आयात को मिटाकर वो आयात जो खुदा की तरफ से हैं वो लेके आता है, यानी कि उसमें काफी चीजें, पहले अब्लीस का रूप मैंने देखा है, वो बल्कि मोहम्मद का भी रूप ले लेते हैं। अब मोहम्मद साहब ने कहा था मेरा रूप कोई नहीं ले सकता, यानी कि हर किसी का रूप ले सकता है लेकिन मेरा रूप नहीं ले सकता। मैंने उसे अक्सर देखा मुसलमानों की दुनियाओं में, उसने मोहम्मद का सबका रूप लिया हुआ है और वो भटका रहा है उनकी दुनिया में भी। तो अब ये हदीसों में आए तो ये कि वो लिखवा कर चला गया, फिर जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि इसको हटाओ इन आयात को, और फिर लिखवाया कि अल्लाह अपनी फिर आयात कायम करता है, यानी कि अगर वो जो पहले हो गया सिलसिला। तो ये बहुत से वाकियात हैं जो बताते हैं कि कोई 70 लाख या 1000 कोई जलवों में नहीं आती,
दूसरी बात, कि फरिश्ते तो खुद गलतियां करते हैं, वो भी मखलूक हैं, गलत फैसले हो जाते हैं उनसे। अगर गलत फैसले ना होते तो बराए रास्त खुदा के पास बैठे होते ये मखलूक। हाँ ये है कि इनकी ग्रोथ जो है रूहानी वो हमसे बहुत ज्यादा है, बहुत पहुंच है। अगर ये कि इनसे गलतियां नहीं हो सकती, तो इनका सरदार जो इनका लीडर था आर्क एंजल, वो पहले तो अब्लीस था, वो जिब्राइल के भी ऊपर था, वो इन सब के ऊपर था, उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता था। तो वो कैसे गिर पड़ा, उसके साथ अनगिनत फरिश्ते कैसे गिर पड़े? तो ये कहना कि 70 करोड़ हों या 70 अरब हों, ये कसर से फरिश्ते भी गिर चुके हैं। ये मैं पहली दफा इंसानियत को बता रहा हूं कि जिनको ये खुदा बना के बैठे हुए हैं। जब निकोदिमस ने यह सवाल किया और कहा कि ए नेक उस्ताद, तो यहां पर ईसा साहब ने यूनिवर्सल बात करके बात को इंतहा बल्कि कामिल तक पहुंचा दिया। आपने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है, अपना इंकार कर दिया, फिर कहा कोई नेक नहीं, और उसके बाद कहा कि नेक एक ही है, एक का एक वाहिद, एक है वो खुदाए वाहिद की जात है। या ये भी कह सकते थे बाप, या बाप नेक है या बेटा नेक है, जिब्राइल का भी इंकार कर दिया। तो ये बातें ऐसे हैं, और मोहम्मद साहब को तो बालोकात बातें भी भूल जाती थी, बल्कि जादू भी हो गया था, और फिर वो जादू के अंदर बहुत सी बातें भी लिखवाई कुरान में भूल भूल कर। तो अब यह कि पैगंबर पे जादू कैसे हो सकता है, ये भी तो शैतान की तरफ से है काला जादू। जी मोहतरम, थैंक यू वेरी मच। एक मेंबर ने सवाल किया है कि आपने फरमाया कि आप इंसानियत को इंसानियत की भलाई के लिए ये सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप इंसानियत को बता रहे हैं वो इंसानियत से हजम नहीं हो रहा। आप फरमा रहे हैं कि सबसे गलतियां होती रही, और पैगंबर इस्लाम की भी आपने बहुत सी गलतियां गिनवाई हैं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि आपसे गलती नहीं हो रही और ये जो कुछ सब आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी क्या श्योरिटी है? ह्यूमन लेवल पर मैंने हमेशा कहा है अंबिया का एक दो स्टैंडर्ड है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ में तो मुझसे भी गलतियां होती हैं और मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करता हूं। जहां तक रूहानियत का मामला है, वो मेरा ताल्लुक बराए रास्त खुदा के साथ है। क्योंकि मेरा ताल्लुक खुदा के साथ है, खुदा ये गारंटी दे रहा है, जो किताबें पहले मैं लिखता हूं वो पहले खुदा के हजूर पहुंचती हैं, हर किताब, और जंगल में भी नूर आके बैठते हैं उस पर। तो ऐसा भी हुआ जो पहली किताब में 50 अगर सफ़े लिखे तो 20 सफ़ों पे नूर बैठा। तो मेरी हर किताब के सफ़े पर खुदा की स्टैंप है, वो खुदा बराहे रास्त पहले जब मुझे इजाजत दे देता है तब फिर वो किताबी शक्ल में आती है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, खुदा मुझसे हम कलामी कर रहा है। या एक और मिसाल दे देता हूं मैं, मेरी एक किताब के अंदर हक ताला ने कहा कि मुझे एक खास पॉइंट जो है वो मैंने लिख तो दिया, वो ठीक था, लेकिन उसकी खुदा ने फिर मुझसे और एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन डिटेल से लिखवाया कि गॉड इज नॉट ए ऑलमाइटी एबिस्ट्रेशन, कि खुदा इनल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर, हर चीज पर कादिर नहीं है। वो कहाँ कहाँ कादिर है वो फिर मैंने सच्चे लम्हात खुदा के साथ और तफसील से लिख दिए।
तो मेरी गारंटी तो खुदा जिब्राइल मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, फरिश्तों की दुनिया से मेरा कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, फरिश्तों की दुनिया मुझसे गाइडेंस लेती है, मशवरे देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं उनके मशवरे कबूल करूं या जिब्राइल का कोई फैसला कबूल करूं, क्योंकि मेरे जहान उससे भी आगे हैं। खुदा की फीमेल जो जन्नतें हैं बराह रास्त वहां, और फिर आगे जो मेल जन्नतें हैं वहां पर, और वो भी फिर अपना सब्जेक्ट नहीं है, फाइल नहीं है। फाइल जो है मेरा वो एक सिर्फ खुदा की जात है, जिसे आप ईश्वर भी ईश्वर कह लें, जो मते कह लें, वो एक क्रिएटर है। तो क्योंकि अब खुदा की दुनिया आ रही है और खुदा की बादशाहत कायम हो रही है दिल की, तो ये वो निजाम है जहां पे खुदा रहना चाहता है, दिखाई देने वाला खुदा। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी मखलूक को कि आगे मुझे डाल दे और कहे कि भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं कि फरिश्ते जितना भी जोर लगा लें खुदा की दुनिया नहीं ला सकते, मतलब ला सकते हैं जिन्नात और जितनी मखलूकात हैं, खुदा की दुनिया नहीं ला सकते। खुदा की दुनिया, यही तो गुलाम अहमद कादियान को भी इस बात की ज्यादा समझ लगी कि मसीह से मुराद क्या है। मसीह से मुराद यह है कि खुदा की दुनिया, खुदा की बादशाहत कायम हो जाएगी। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपने इस ऑडियो में ये फरमाया कि फीमेल जन्नतें और मेल जन्नतें, तो एक सवाल यहाँ पे ये बन रहा है और इम्पोर्टेंट है शायद, तो क्या जन्नतें भी अलग अलग होंगी? क्या फीमेल्स के लिए अलग जन्नत होगी और मेल्स के लिए अलग जन्नत? क्या फीमेल और मेल अलग अलग जगहों पे रहेंगे आलम अरवा में, या ये कि हमेशा हमेशा के लिए? बताएं, शुक्रिया। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। एक मेंबर ने सवाल किया है कि मेरा ख्याल है कि हर नबी अपने जमाने का इंसान एक कामिल होता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि किसी ने उन्हें कहा कि ए नेक, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक ही है यानी खुदा की जात, तो वो उन्होंने इज्ज़ में कह दिया होगा, क्योंकि अंबिया में आजसी होती है। और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी आजसी में कहा था कि किर में खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ, हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। लेकिन ये कि लोगों ने इसको गलत सलत मफहूम देने शुरू कर दिए, हालांकि उन्होंने अपने इज्ज़ का इजहार किया था। तो वो मेंबर फरमाते हैं कि जितना कोई आला मकाम पर पहुंचता है उतना ही उसमें आजसी होती है, तो ये कहने में कि मैं नेक नहीं हूं, बस एक ही नेक है, क्या हरज है? नहीं 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 नहीं, समझने में गलती हुई है। फीमेल एक्सपेक्टेशन, खुदा की दो रूप है, फीमेल एक्सपेक्टेशन जिसे फीमेल जनते कहा जाता है, उसमें सब है, मर्द भी है औरतें भी हैं, लेकिन मर्द औरतें नहीं है, ना वो फरिश्ते हैं, वो बींग हैं। और मेल जन्नतें जो हैं, जिसे हम मेल कहते हैं, ब्लू जन्नतें, वो खुदा के मेल करेक्टर की तर्जमानी करते हैं, वो बींग। और ये जो बींग है फीमेल जन्नतें, ये खुदा की फीमेल करेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन ये जो बींग है, इनमें हर जंतों में अनगिनत जनते गोल्डन हैं, जो फीमेल एक्सपेक्टेशन, अनगिनत मेल, लेकिन इन सब जंतों में मेल बींग भी हैं और फीमेल बींग भी हैं, अलहदा अलहदा कुछ नहीं है, बल्कि और बींग मखलूकात भी हैं जो खुदा ने अपने बाद पैदा की। ये मतलब था, अलहदगी का कोई अलहदा अलहदा होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं उन जंतों में। मैं जमानों का मसीह हूं, खुदा ने मुझे हर जमाने की मिसाल दी है, मिसाल दी है, और मैं खुदा के आमने सामने बैठ के खुदा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करके मुझको
मुझे गाइडेंस देता है। मैं ये बता रहा हूं कि खुदा के अलावा सबसे गलतियां हो सकती हैं, चाहे जो 19 बींग थे खुदा के बाद जो खुदा ने पैदा किए उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो अनगिनत जनते जो जहां पे खुदा के बेटा बेटी भी हैं उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, जो फीमेल जनते हैं वहां भी खुदा के बेटा बेटी हैं, कोई भी गलती से मुबर्रा नहीं। ईसा कौन होता है अगर उसने आईजी से कह दिया, या गुलाम अहमद ने आईजी से कह दिया, तो गुलाम अहमद ने तो खुदा भी अपने आप को बनाया आईजी के साथ, फिर वो भी कबूल कर लो। तो मैं तो वो बात कहूंगा जो खुदा ने मुझसे कही, तो अगर ईसा की नहीं मानते, गुलाम अहमद कादियान की नहीं मानते, तो मैं तो खुदा के, बल्कि जब खुदा की जात बात करती जो नूर निकलता है उसके मुंह से वो भी घेरा डाल देता है मुझे। तो मैं ये बता रहा हूं कि कोई नेक नहीं है, सब गलतियों के पुतले हैं, और अंबिया जो हैं इनमें जो इतनी गलतियां हुई जो एक आम आदमी जो है इतनी बड़ी गलतियां नहीं करता, ये मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। अमीर फैसल साहब के लिए आप होरों पे अपनी दुनिया बसा के बैठे हुए हैं, जब इधर रात होती है तो लाखों जन्नतों की शहजादियां मुझे लेने के लिए आ जाती हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा ने कलम भी मेरे हाथ में दे दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। ये हूरों के चक्रों से निकलो, क्योंकि हूरों की डिमांड बढ़ी है। वो लिस्ट बना के जो देंगी ना आपको, तो आपको नीचे उतारेंगी, फिर करोड़ों साल आप ऊपर की शक्ल नहीं देखेंगे। तो वही मेरा एक शेर मुझे याद आ गया कि जन्नतों की आरजू में रब्बी ना मिला मुझे, कि कोई दुनिया मांगता है कोई आखिरत की छाँव में, कोई है मुहिब मेरा जो मांगे सिर्फ मुझे, कोई है मुहिब मेरा जो मांगे सिर्फ मुझे, इस मोहब्बत उल्फत की आरजू में मैं निकला अंधेरों से नूर में। जी मोहतरम शुक्रिया, लेकिन अभी ऊपर एक ऑडियो में आपने खुदा के बेटे और बेटियों का जिक्र किया है, तो जब भी कभी आप ऐसी बात करते हैं तो ग्रुप में बहुत से लोग शदीद गुस्से से भर जाते हैं और सूरत इखलास का विर्द करने लगते हैं कि लम यलिद व लम युलद, तो आपकी इससे मुराद क्या होती है और क्या इनकी कोई तादाद और गिनती वगैरह भी है खुदा ताला के बेटे और बेटियों की, या ये कोई सिंबॉलिक चीज है? मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गाइडनेस का, बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला सर। बट खुदा का बहुत फजल व करम है, ना शुक्री क्यों करना, कि खुदा ने अच्छा घर, अच्छा रिज्क, अच्छी रोजी, अच्छा पैसे देने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी हूरें भी दुनिया में ही अता कर रखी है सर। और ये जो मोल्स होते हैं यानी कि तिल होते हैं बॉडी ऑन द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर तिल होते हैं मोल्स, तो मेरी एक जगह कई जगह तिल हैं, तो एक जगह तिल देख के कोई भी बता देते हैं जो उनके साइंस जानते हैं कि अमीर फैसल पे बहुत सारी आशिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने बहुत हूरे दे रखी हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। करते रहे, क्योंकि ये इसी काबिल हैं, इनकी पहुंच यहां तक ही थी। जिसकी पहुंच एनर्जी तक थी कि अल्लाह की जात एनर्जी है, वो वहीं तक पहुंचा। जिसने कहा खुदा जमीन और आसमानों का नूर है, वो उससे आगे नहीं पहुंचा। तो जिस जिसने जो कुछ कहा ये उसकी महदूदियात और लिमिटेशन थी रूहानी ग्रोथ में। हम तो वो कहते हैं जो हम देखते हैं। तो ये गोल्डन जो है जन्नतें, ये अनगिनत जन्नतें हैं, इनमें अनगिनत खुदा के बेटा बेटी हैं,
और इसी तरह वो जो ब्लू जनते हैं वो भी अनगिनत, उनमें भी बहुत बेटा बेटी हैं। कोई मैं सिंबल बात नहीं कर रहा, ये वाकई खुदा के बेटा बेटी हैं, ये खुदा के तुखम से निकले हैं, जैसे आपके वालदान हैं, जैसे अमीर फैसल के वालदान हैं, जैसे मेरे वालदान हैं, ये डायरेक्ट खुदा के तुखम से निकले हैं। और अगर अल्लाह की जात एक दिल बनाती है और ये मुसलमान कहें कि अल्लाह का दिल नहीं है, तो इनका इनके दिमाग हिले हुए हैं। और अगर खुदा की जात ये चीजें मखलूकात पैदा करता है जिससे औलाद पैदा होती है, और ये कहे कि खुदा इस चीजों से आ रही है, तो ये बुतानबाजी है, ये कोई तमसीली नहीं है। खुदा के बेटा बेटी इतने हैं, बल्कि ये नई किताब जो आई है, ये जो नई किताब जो आई है, मैं कल ही लिख रहा था, जो खुदा के बेटा बेटी हैं, जैसे हम तो फिजिकल हो गए ना, बेटा बेटी हमारे माँ बाप थे, फिर रूहानी हुए, वो जो ब्लू नूर है और जो गोल्डन नूर है, वो भी रूहानी भी बेटा बेटी हैं, और उनका तुखम जो है बराए रास वो खुदा की जात है। तुखम वो खुदा के हकीकतन बेटा बेटी हैं। तो मौत के बाद भी बच्चा हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है, यहां बच्चे 9 महीने लेते हैं मां के पेट में, और उधर आप ये लगा लें कि 9 लाख साल गुजर जाएंगे, इसलिए वहां बच्चे नहीं बनाते। लेकिन खुदा के तो बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बल्कि कल का ही मैं वाकया बता रहा था, जब खुदा के बेटा बेटियों ने, नई किताब में मैं लिख रहा हूं, मुझे बुलाया और मुझ पे कहा कि हम तो खास उसके बेटा बेटी हैं, यानी वो हमारा वालिदैन है, तू तो पहले जिस्मानी था फिर रूहानी हुआ। तो वो मैंने बड़ा वाकया है जो मैंने लिखा है अपनी किताब में, कि मेरा दिल खोया गया खुदा की जात में। तो हम क्यों ना बताएं जो खुदा हमें बता रहा है। हाँ जी, खुदा अमीर साहब की बीवी की तरह सबको बीवियां दे, के इसे कहते हैं टॉलरेंट। तो अभी ये किस्सा निकली है, तो जो हमारी बीवी हैं वो तो उनको भी कहेंगे किसी दिन आके अपना अपनी टेस्टामेंट दे, तो वो तो आसमानों पे और फरिश्तों में और जहानों में जाती हैं, तो वो अमीर साहब की बीवी से भी करोड़ गुना आगे हैं। तो अल्लाह ऐसी बीवियां दे। जी मोहतरम, मैं ऊपर की आपकी ऑडियो सुन रही थी, उसमें आपने फरमाया कि वो बेटे बेटियां खुदा के तुखम से निकले हैं। इसका मतलब है कि खुदा की बीवी भी है, तो जब बीवी है तो फिर बीवी वहां एक है या ज्यादा है। और दूसरी बात, मैं ये सोच रही थी कि अभी तक तो तौहीन रसालत का कानून मौजूद था, तो अब आपकी ऑडियो सुनने के बाद तो तौहीन अलूहियत का एक कानून भी राइज करना पड़ेगा मुसलमानों को। मैं तो पहले बता चुका हूं, मुसलमान फिर गालियां निकालेंगे मुझे, जो ईमान वालों को मिलेगा वो ईमान वालियों को मिलेगा, इन मौलवियों को बहतर हूरे मिलेंगी, तो ईमान वालियों को ही बहतर शहजादे मिलेंगे। तो खासकर अमीर फैसल साहब से मैं गुजारिश ये है कि आप भी तैयार रहें, क्योंकि जो बीवी है उसको ईमान वाली को भी मिलेगी, बहतर शहजादे मिलेंगे, और वो शहजादों पर इख्तियार रखती होगी, जब चाहे जिस शहजादे को चाहे अपने पास बुला ले। तो जरा बड़ा दिल रख के लेकर जाना है उस दुनिया के अंदर। तो बाकी हमने तो सब कुछ देख दाग कर हर चीज छोड़ दी है, और ये जान लिया है कि एक रूह के सिवा मेरे पास बस यही है सब कुछ, जो अगले जहानों में मुझे लेकर चलेगी, बाकी कोई रिश्ता कोई नाता साथ नहीं जाएगा।
जैसे फरिश्तों के हर डिमेंशन में पार्टनर हैं, हर डिमेंशन में, इस तरह खुदा की जात जो फीमेल एस्पेक्ट अनगिनत जनते हैं बराए रास डायरेक्ट, और आसमानी नूर की जनते हैं मेल एस्पेक्ट, वहां पे चाहे खुदा की खरबों पीवी हो, मुझे क्या, वो मेरा वालदेन है। अगर जो चीज मुझे उसने लज्जत देने के लिए मुझे दे दी तो क्या वो खुद नहीं चख सकता, उससे पाबंदी है। तो मैंने बहुत कुछ देखा है खुदा की जात, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर मुझे अधम अधम मैं तुम्हें लेके चलूंगा तो पता नहीं कितने कानून बदलेंगे ये, बल्कि ये कानून बदलते बदलते कानून के साथ ही ये कब्रों में पहुंचेंगे। तो मैं तो खुदा की वो बातें बता के जाऊंगा ताकि इंसानियत को समझने में आसानी हो जाए कि खुदा की जात है क्या। तो जो कुछ खुदा ने बनाया, सबसे पहला चखने वाला खुदा की जात है। कुछ भी हो, जो कुछ मखलूकात के लिए पैदा किया, उस चीज को एक्सपेरिमेंट और चखने वाला खुदा की जात है। ये नहीं कि कौन क्या कर दिया और फिर वो चीज हो गई, फयाकून, वो चीज अमल में आने लगी, ऐसी बात नहीं है। कभी इस अधम की भी बात करना तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या था। मोहतरम जाहिद खान साहब, असल में मुस्लिम होने से पहले इसी तरह की बातें तो बताई गई थी कि वहां पे लड़का लड़की मेल फीमेल बराबरी है, कोई उनमें आपस में मतभेद वैसे नहीं होता, मतलब उनमें आपस में क्या वर्ड कहना चाहिए, भेदभाव नहीं होता है। वो तो मुसलमान होने के बाद स्टडी करने के बाद पता चला कि जी वहां पे तो सारा फर्क ही फर्क है। वहां पे तो कहते हैं कि अगर उसका शौहर है उसको मार दो, उसका बाप है उसको मार दो, उसका जवान बेटा है उसको मार दो, बची औरत उसको लौंडिये बना लो, रजिस्टर में लिख के रेवड़ी की तरह बांट दो। सर वहां पे तो ये पता चला कि आदमी को 70-70 हूरे मिलेंगी बट औरत को कुछ नहीं मिलेगा, और औरत को ऊपर से सरदार कह देते हैं। अब ये तो सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है, ना ही कॉमन सेंस अपील करती है कि यहाँ की जो बीवी होती है वो नजर पड़ते हुए देख ले किसी औरत की अपने हस्बैंड पे तो तिलमिल आ जाएगी, अपने हस्बैंड को देख ले कि वो इसकी नजर वहां जा रही है तो तिलमिल आ जाएगी। सर तो ये तो खैर समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपनी लेडीज की बार ये लगा सकती है कि भाई आज तेरी ड्यूटी आज तेरी ड्यूटी। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं सर, जितने भी ये सो कॉल्ड मुल्ला हैं जो गालियां देते हैं फतवे देते हैं, इनकी बीवियों को सबसे पहले 70-72 शहजादे मिलने चाहिए और इन्हें लग पता जाना चाहिए। और कानून तो अगर मसहब इस्लाम बराबरी का कानून देता है तो यही होना चाहिए। बिल्कुल आपके बेस्ट सही है सर, शुक्रिया। बस फिर अमीर फैसल साहेब, आप इंसानियत का मजमून समझ चुके हैं, जो मजहब नहीं सिखा सका वो इंसानियत समझा दी, समझा रही है। तो वही बात तो ईसा ने कही थी, जो तू अपने लिए पसंद नहीं करता तो तू दूसरे के लिए क्यों पसंद करता है? फिर वो बात, या फिर वो दूसरों के लिए भी वो पसंद कर जो तू अपने लिए पसंद करता है। अब ये रूह का कानून है जो मैंने बताया कि जो चीज हम अपने लिए महबूब रखते हैं पसंद करते हैं तो फिर वो अपनी दूसरों के लिए भी वो चीज कबूल करें, क्योंकि जनतों में तंग नजरी नहीं है। नो नैरो माइंडेड कैन इंटर इन द पैराडाइज और हेवन, कोई दाखिल नहीं हो सकता तंग नजर शख्स, कोई गुंडा बदमाश जो सिर्फ मैं लगाई हुई है, जैसे नाना कहते हैं मैं मिचाया ते मैं विच गया, मैं विच लिता ते मैं विच दिता, कोई भी दाखिल नहीं होगा। जी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि हम जन्नतों की कहीं और दूर दूर निकल गए जन्नतों में। मेरा ख्याल है फिलहाल हम लोग वापस आ जाएं। तो अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 28 आपकी किताब का, अब मैं उसकी तरफ आती। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या अपना है, कोई चीज भी अपनी नहीं है। ये हाथ पांव, ये जिस्म के अज्जा भी अपने नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर अगर मैं इनामात को देखूं खुदा के, तो एक रूह अपने जैसी बना दी कि जो कभी फना नहीं होगी,
बका ही बका है उसके अंदर, हमेशा जैसे खुदा रहेगा हम भी रहेंगे, और जैसे नूर पाके गॉड इज अबव द टाइम एंड स्पेस, ट्रांसेंड्स द टाइम एंड स्पेस, हम भी वक्त और खला से बाला होंगे। तो ये एक रूह है, इसमें वो चीजें ले ले जो खुदा की आदात हैं, खुदा का असर और खुदा का नूर है, और हमेशा के लिए आजाद हो जा। वहां फिर एक ही है जो नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए, वो खुदा की जात है, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। जी, उसमें आपने फरमाया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने ये भी एतराफ किया कि मैंने जानबूझकर ये कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और खुदा मेरे बाद किसी और को नहीं भेजेगा। मैंने हुक्म दिया कि जो भी नबूवत का दावा करे उसे कत्ल कर दिया जाए। मैं जानता था कि मुस्तकबिल में और नबी हो सकते हैं जो ये जान सकते हैं कि मैंने अपनी हिकमत से कुरान में कौन कौन से अहकाम दाखिल किए, लिहाजा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मैंने ये बात कही थी। तो इस बात को भी प्लीज जरा एलेबोरेट कर दीजिए। थैंक यू। अगर कुरान इतना ही खुदा का कलाम है कि ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, चाहे कुरान में आगे तजाद आ जाते हैं, इस्लाम के सिवा कोई मजहब कबूल नहीं किया जाएगा, अगर इतना ही है कि कोई जबर नहीं, तो मंदे के वक्त ये क्यों कह रहे हैं कि अरब में दो मजहब ना छोड़े जाएं? वहां तो 5-6 मजहब थे अरब के अंदर, और ज्यादा थे, तो ये कहां से अल्फाज निकल रहे हैं अरब में दो मजहब ना छोड़े जाएं? अरब में सिर्फ एक ही मजहब हो और वो इस्लाम हो तो पता लग गया कुरान खुदा की किताब है ही नहीं, यहीं से साबित हो गया। अब यह कहना मोहम्मद साहब का कि उन्हें पता था, हां उन्हें पता था और उन्हें पता लग गया था, यही मेरी किताब क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में अली ने ऐसे राज खोल दिए थे मोहम्मद साहब के आगे जो मोहम्मद साहब को भी खबर नहीं थी कि ये अली क्या कह रहे हैं, तभी तो पाबंदी लगाई है डट के। उनको पता था कि अली अगर नबी हो गया, और जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को खबर दे दी थी कि अली जो है ये नबी होगा, इससे रूहानियत का सिलसिला चलेगा, सूफिया इकराम और उसके बाद खुदा की दुनिया आएगी, तो यहीं तो ये सारी रोक लगी है सारी इस बात की, वरना तो अली ने वो राज बता देने थे जो उस पर खुदा ने उसको दिखाए थे, वो राज मुशाहिदा इलाही के कि इस्लाम की धजियां बिखर जाती। किसी ने अली से सवाल किया कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा मैं उसकी कैसे इबादत कर सकता था जिसको मैंने देखा ही नहीं। और फिर आगे यह भी तशरीह कर दी, मैंने अल्लाह के नूर से जो उसने मुझे दिया है अल्लाह की जात को जाना और पहचाना। देख लेना ये सूफियत का सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जलानी खुदा के रूहानी वजूद पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते? लानत भेजो फिर शेख अब्दुल कादिर जलानी के ऊपर, क्योंकि वो यकीन रखता है खुदा का एक रूहानी वजूद भी है, जैसे हमारा ही रूह है और रूहानी वजूद है, रूह की एक फॉर्म भी होती है। तो मोहम्मद साहब को बिल्कुल पता था कि ये इस्लाम धड़ाम से जमीन पे गिरेगा। इसकी एक और मिसाल देता हूं, जब मोहम्मद साहब ने ये कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं, और जब अली खलीफा बने तो आयशा ने कहा कि इससे पहले अली खलीफा बनते बेहतर था आसमान जमीन पे आके गिर जाता। तो यकीनन पता था उन्हें, तभी तो इतनी रोके और टोके लगाई ताकि नबी ना आ सके और इस्लाम कायम हो और मजबूत हो जाए और पक्का हो जाए और दुनिया पे छा जाए। जी मोहतरम, शुक्रिया। आपके ऊपर के ऑडियो सुनकर दो सवाल पैदा हुए हैं। एक तो ये कि आपने फरमाया कि उन्होंने ये क्यों फिर क्यों कहा कि अरब में दो मजहब ना छोड़े जाएं, तो उसका ये मतलब होगा कि तबलीग वगैरह करके कन्विंस करके
लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब कर लो। मतलब अगर मैं होती तो मैं यही समझती कि इसका ये मतलब होगा। और दूसरी बात, आपने फरमाई कि हजरत आयशा ने कहा जब हजरत अली खलीफा बने कि इससे बेहतर था कि आसमान जमीन पर गिर पड़ता, तो उनको क्या मेरा मतलब है, क्या ग्रज था उनको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से, ये भी समझ में नहीं आई। अगर इतना ही समझाना बुझाना था तबलीग का तो इतनी जंग करने की क्या जरूरत थी इराकियों से। ये पूरा अरब जो है वो जंग के अंदर, जंग की आग में आ गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं मसीह जमा हूँ, मैंने बड़ी दफा मोहम्मद साहब के साथ बातें की हैं। असल रूप मैं बता देता हूँ, वो ये मतलब था कि कोई सूरत अख्तियार करो लेकिन अरब में एक मजहब इस्लाम, बाकी को सबको निकालो यहां से, ये मतलब था। जब तो मजहब ना हो वहां तो और मजहब थे ज्यादा। तो जो मोहम्मद साहब की असल नुमाइंदगी करता हूं, जो मैं जानता हूं उनको, वो मतलब ये था। बल्कि उससे आगे और भी मतलब था, वो ये था कि इन मजहबों को भी झगड़ा दो, ये जो हिंदुइज्म है, ये ईसाई यहूदियत, बस एक ही मजहब रहे, मजहब इस्लाम। तो मोहम्मद साहब की तो बड़ी ख्वाहिशें थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो क्योंकि खुदाई ख्वाहिशात नहीं थी तो कहाँ पूरी होती हैं। बाकी आते हैं आयशा। हजरत आयशा से तो बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं। उनकी माँ से शादी कर ली और जब मोहम्मद साहब मशवरा ले रहे थे, वही बंद हो चुकी थी, कि क्या आयशा ने ये काम किया है सोहेल के साथ, तो अली साहब ने मशवरा दिया था, अगर हो गया तो फिर क्या, दवा करो, तलाक दो इसे, औरतें बहुत हैं। फिर और बहुत सी बातें हैं आयशा और अली के दरमियान जो हुई, तो बहुत जबरदस्त खिंचाव था आपस में, और उसका जो फल निकला वो 10 या 20 हजार लोग कत्ल हुए अली और आयशा के जंगो जदाल के अंदर। तो क्या इससे बड़ा फल नहीं देखा जा सकता? वो तो मोहम्मद साहब की वजह से अंदर गुस्से में लबरेज दोनों बैठे हुए थे सबर करके, इधर मोहम्मद साहब ने आंखें बंद की, उधर आपने देख लिया क्या हुआ। तो ये नतीजे तो बड़े खतरनाक हैं। और वो जो 10 सितारे मोहम्मद साहब कह के गए थे कि जो भी कोई इनकी पैरवी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, वो 10,000 भी सारों ने वो लड़ लड़ के एक दूसरे से वो गए हैं दूसरी दुनिया में, और अपने साथ हजारों सहाबा को भी लेके गए हैं। तो ऐसी लड़ाइयां फिर रोज हों ताकि इस्लाम से जान छुटे और कम से कम दुनिया में पीस कायम हो। जी मोहतरम, ये सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैडम, हमने देखा पढ़ा और सुना है कि गुज़श्ता तमाम अंबिया अकराम एक ही तालीम खुदा के बारे में देते हैं कि खुदा वाहिद और हर कमजोरी से पाक है, औलाद तो एक कमजोरी की निशानी है, और बीवियां और बेटे बेटियां अगर खुदा की हैं, वो अपनी औलाद पैदा करता है तो फिर खुदा का पैदा करने वाला भी फिर है, और अगर खुदा पैदा किया गया है तो वो खुदा नहीं हो सकता जो खुद पैदा किया गया है। खुदा भी पैदा किया गया है, इसकी तो मैं तफसीलात बयान कर चुका हूं कि गॉड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, खुदा पहला मुकदमा है। जैसे 5 या 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद फिर 0 है। सो गॉड इज ए फर्स्ट केस इन दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूनिवर्स। तो इस बात को तो वो तफसीलात में पढ़ लें। बाकी खुदा की कोई कमजोरी नहीं है, वो जो चीजें मखलूकात को दी अगर उसमें से भी उसने भी चखी तो इसमें कमजोरी की क्या बात है। वो तो खुद ही कह रहा है अपने बारे में,
God created mankind in his own image, अपनी इमेज पे बनाया है। इन्होंने खुदा का जो तस्वर पेश किया है वो बड़ा जाहिलाना है कि खुदा हर चीज से अपनी कायनात से मुबर्रा, हर चीज से परे, कोई अजीब ही मखलूक है, कोई अजीब ही चीज है। तो वो पैदा नहीं किया गया बल्कि हम पैदा किए गए। गॉड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, वी आर दी एक्चुअली। अगर उसने ईसा को अपना बेटा कह दिया तो इसमें कमजोरी की क्या बात है? अगर उसने मुझे कहा कि तू मेरा बेटा भी है और मुझे अपना दिल भी कह दिया, और उसने वाकईतन मुझे कहा कि जो मेरे दिल में है वो तेरे दिल में है, जैसे मैं सोचता हूं वैसे तू सोचता है, मेरे दिल की तर्जमानी जो है अगर कोई कर सकता है तो वो इनाम मैंने तुझे दिया, तो कमजोरी की क्या बात होगी? ये तो खुशी की बात है। और ईसा ने कहा नहीं है, किताबें पढ़ ले जिस अंजील पे ये ईमान लेके आते हैं कि वी शुड बिकम परफेक्ट एज गॉड इज परफेक्ट, हमें चाहिए कि हम कामिल हो जैसा कि खुदा कामिल है। तो बड़ी बात कह दी ईसा ने कि हम भी कामिल हो सकते हैं जैसे खुदा कामिल है। तो उसने तो तसव्वुर पेश कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम भी खुदा जैसे हो सकते हैं। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। उन मेंबर ने अपना जवाब सुन लिया होगा। अगला पॉइंट है नंबर 29 पॉइंट, यानी इसका नंबर 29 है, और इसमें आपने लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने आपके सामने ये भी एतराफ किया कि मैंने कुरान में बहुत से कवानीन दाखिल किए, मसलन पुराने अहदनामे से कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बाज मैंने अरब के पुराने कवानीन से लिए, जैसे कि शादीशुदा औरत को बदकारी करने पर संसार किया जाए और चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए। गो के जन्नतों ने मुझे कहा भी कि बनी नौ इंसान के लिए शफकत का मुजाहरा करूं और इतनी सख्त सजाएं नाफिज न करूं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मोहतरम, यहाँ सवाल ये है कि कुरान पाक में तो उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, और दूसरी तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत सख्त सजाएं थी और इनको नाफिज करने से उनको रोका गया था, तो ये क्या भेद है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये कहने से, ये कहा किसने, पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन कर लें कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तू जहानों के लिए रहमत है। ये इंस्पिरेशन जो है ये मोहम्मद साहब का है, ना जिब्राइल का है ना खुदा का है। जैसे ये इंस्पिरेशन कि मेरे बगैर कोई खुदा को नहीं मिल सकता, सच्चाई और जिंदगी का रास्ता मैं हूं, ईसा ने कहा, ये खुदा का है, ना ये खुदा के फिक्रे हैं ना फरिश्तों के, ये मोहम्मद साहब, ये ईसा के हैं, ईसा ने कहा। अब ईसाइत अकड़ी हुई है और डट गई है कि कोई नहीं मिल सकता, कहता कि ना मोहम्मद भी नहीं मिल सकता खुदा को जब तक वो ईसा का पैरोकार ना बन जाए। तो ये फिक्रे जो है कि मां अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, जानों के लिए रहमत बना के भेजा, ये मोहम्मद साहब का अपना इंस्पिरेशन है, फरिश्तों का नहीं है। और मैं ये समझता हूं अगर कोई एक शख्स रहमतुल आलमीन का हकदार हो फरिश्तों की दुनिया में, तो फिर वो जिब्राइल है जो उसने कुर्बानियां दी हैं, रूहानी बाप है तमाम नबियों का। मेरी ये अमीर फैसल साहब से फेयर दरख्वास्त है कि ओफार जमा साहब ने जमात अहमदिया बगैर कंडीशन के चैलेंज किया है, तो एक दफा तो कर लें प्रोग्राम, उसके बाद खालिद विस्ता को बस्ती, जो महमूद अकरम साहब हैं
उनको फेयर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि पहले गुफार साहब कह चुके हैं कई, एक दफा तो कहा कि आ जाए और मैदान में, और फिर ये निकल गया गुफार साहब। तो ये मौका फेयर होना चाहिए कि महमूद अकरम साहब को पूरा पूरा मौका दिया जाए, जिनका पिन नाम खालिद बस्ती है, ताकि दोनों तरफ के जो डायलॉग हो उससे सबको फायदा हो। जी मोहतरम, आखिरी सवाल है आपसे कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मेरे बगैर कोई खुदा को नहीं मिल सकता, तो मेरा ये ख्याल है कि हर नबी अपने जमाने में चूंकि खुदा का फरस्तादा होता है और मामूर होता है, तो उस जमाने के लोगों के लिए लाजमी होता है कि वो उस पर ईमान लाएं और उससे गाइडेंस लें, क्योंकि वो डायरेक्ट खुदा से पा रहा होता है। तो अगर उन्होंने कहा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा या मिर्जा साहब ने भी कहा कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाता मतलब है कि उस पर लाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इस सारे का मतलब यही होता है कि उनका मतलब होता है कि हम इस वक्त एक लाइव नुमाइंदा मौजूद हैं, तो हम हमारी तालीमात पे तवज्जो दी जानी चाहिए और इसी से खुदा से मिल सकते हैं। कहाँ अहमदिया के खलीफा साहब मसरूर और कहाँ गुफार जम्बा, हंसी मजाक में तो ठीक है, वो कहाँ आएंगे इस जन्म में तो वो ना आए, बल्कि कोई तवज्जो भी नहीं है। हाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं खालिद बस्ती और दूसरे एहबाब जिनको मैं जानता हूं, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप सारा इंतजाम कर लें, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने मुझे कहा था फ्रैंकफर्ट में हम करेंगे ये एहतमाम मस्जिद के अंदर, और ये बातचीत हो चुकी थी गुफार जम्बा साहब से, मैंने कहा कि आप आए मैं भी आपके साथ बैठूंगा, तो इन्होंने आई बाई की कि नहीं अभी नहीं ऐसा है वैसा है, मैं तो इनको यूनिवर्सिटी में भी ला रहा था लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपका हर हुक्म सर आंखों पर सर, और इसमें हम यहाँ ये बात भी जरूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि मोहतरम जाहिद खान साहब आपका पुरखलूस वेलकम किया जाता है प्योर डिस्कशन ग्रुप में सवालों जवाब की नशिस्त के लिए, और जाहिर सी बात है कि अगर मेंबर्स सवाल भी करते हैं तो हमने सिर्फ ये अलाउड कर रखा है कि वो सवाल सिर्फ हमारे एडमिन से करेंगे या ये कि प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम से उनके पर्सनल में भेजे जा सकते हैं, और किसी को भी डायरेक्ट सवाल अलाउड नहीं है कि वो आप तक भेजें, और आप जानते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। तो मोहतरम इसी तरह से हमने दावत दी है मोहतरम जम्बा साहब को कि वो सवालों जवाब की नशिस्त में देंगे, और हमारा मेन मकसद यही है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हमें भी सीखने का मौका मिले और दुनिया को प्योर डिस्कशन ग्रुप की तरफ से। रही बात आपकी बात की, तो इंशाल्लाह हम तो सभी चीज के लिए हाजिर हैं, हमारे एडमिन टीम हाजिर है, और उस वक्त जब मोहतरम जम्बा साहब यहाँ पे तशरीफ ले आएंगे सवालों जवाब की नशिस्तें शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम उनसे ये दरख्वास्त करके देख लेंगे, और इट इज अप टू हिम। और खालिद बास्ती साहब ने मेरे नाम भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जारी कराया था, वो असल में थोड़ी अदम मसरूफियत की वजह से मैं जवाब नहीं दे सका, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज 2-4 घंटे में या अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर उनके लिए भी स्टेटमेंट जारी करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और भी हैं इंशाल्लाह वो आज कुछ आवर्स के बाद तक जारी कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला। आपका ख्याल सर आंखों पे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। एक वक्त में दो नबी हुए हैं, हर नबी ने अपनी रूहानियत काबिलियत के मुताबिक इनाम पाया है, तो ये कैसे कह सकता है ईसा कि मेरे बगैर यानी कि मुझे मेरे जरिए मिलेगा, बिल्कुल गलत बात है। तो एक वक्त में 3-3 नबी भी हुए हैं, उन्होंने अपने दर्जात पाए, और मेरे वक्त में अब 17 नबी हो चुके हैं। वो ठीक है कि मैं जो तालीमात लेके आया
लेकिन वो खुदा से मिले, वो इनाम जो नबी का है वो उन्होंने मुझसे नहीं पाया। यही तो अपना ठोकर लगी है इन सबको। वो इनाम उन्होंने बराएगा खुदा से पाया है, खुदा से मिले, खुदा से गुफ्तगू की, हम कलामी की, तब जाके उन्होंने इनाम पाया है। हाँ ये है कि तालीमात से मैंने रास्ता खोल दिया, ये कह के कि खुदा कह रहा है कि जमीन अंबिया से भर जाएगी, तो ये तो कोई नबी भी नहीं कह सकता अपने वक्त में। तो जो दूसरा नबी आया उसने वो दर्जा कैसे पाया है? उसने तो खुद पाया वो दर्जा। और ये भी कि वो फिर आएंगे वापस, ईसा मोहम्मद की उम्मत बनेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होते। वो तो रूह की दुनिया में कह चुका है कि जब से मोहम्मद आया है भूल जाओ खुदा की दुनिया। वो तो बात करने के, वो तो बात भी नहीं करना चाहता मोहम्मद से। मैं रूह की दुनिया का हाल बता रहा हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, जब आप ये फरमा रहे हैं कि खालिद वास्ती साहब उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आ सकते हैं, यानी कि खलीफा मसरूर साहब के, तो फिर झगड़ा ही तो खत्म हो जाएगा। आप ये कह दीजिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाए उनके, और ये बता दें, चाहे वो बयान ही दे दें कि हाँ जी मैं खलीफा जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम इतना तो सर है ही कि अहमदी जमात निजाम के अंदर कम से कम परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक के खलीफा जी का ऑर्डर ना हो जाए। तो खालिद वास्ती साहब वैसे तो नहीं कह पाएंगे एवं के जी मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। चलिए हम अथॉरिटी लेटर का, क्योंकि मुझे खासियत बनाया गया था मोहतरम जम्बा साहब ने, तो चलिए मैं कहता हूँ कि अगर खालिद वास्ती साहब रिकॉर्डेड ऑडियो स्टेटमेंट भी देते हैं कि जी हाँ वो मोहतरम खलीफा जी मसरूर साहब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बात कर रहे हैं, तो भी इंशाल्लाह हम बिल्कुल कबूल करेंगे एज अ सालिस, और मोहतरम जम्बा साहब से फिर दरखास्त कर देंगे कि वो उनसे भी बातचीत करें। और ये प्रपोजल मैं सिर्फ अपनी तरफ से दे रहा हूँ, शुक्रिया। अमीर फैसल साहेब, ये गुफार साहब ने चैलेंज किया था इसको, खालिद वस्ती को, और बाद में फिर पेश नहीं हुए। खालिद वस्ती कैसे कह सकता है कि खलीफा ने मुझे इजाजत दी? ये तो खाम खां की फिर इनकार है। ऐसे नाटक नहीं करने चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि कोई कब्रिस्तान का बिच्छू वगैरह जो कुछ भी है वो आए, मैं उसे जवाब दूंगा, तो खालिद वस्ती अहमदी है तो फिर वो आगे जवाब दे रहे हैं। अच्छा और आगे आ जाते हैं, मैं इनकी इंतजामिया से बात कर लूं। इनकी इंतजामिया में खास लोग हैं जो खलीफा के इर्द गिर्द हैं, उनका एहतमाम कर देता हूं और फ्रैंकफर्ट में आ जाएं और लाइव डायलॉग कर लें। ये बात तो पहले भी तय हो चुकी है। तो अब आप बुला रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें फिर अगर अगर कोई मद्दे मुकाबले नहीं है तो मुक्के हवा में चलाने हैं आपने। तो ठीक है, वो आप इनको बुलाएं, सवाल वगैरह करें, लेकिन फिर सामने मद्दे मुकाबल भी हो जो आगे से बता सके कि कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है। मेरा तो ये असूल है। या मुझे बुला लें, मैं वो वीडियो पेश कर देता हूं कि ये कहता है कि जी खुदा को देख सकता है, खुदा को कोई नहीं देख सकता। मुझसे कर लें डायलॉग, मैं इनको दिखाता हूं कि मोहम्मद साहब तो बड़ी दूर की बात है, सहाबियों ने खुदा को देखा है। मुझसे डायलॉग कर लें तो मद्दे मुकाबिल जब लेके आएंगे आप तो मुक्के हवा में नहीं चलेंगे। तो आमने सामने जिनको ये चैलेंज दे चुके हैं गुफार साहब, वो कह रहा है कि मेरा चैलेंज तुमने मुझे दिया, मैं आ रहा हूं, मैं अहमदियत में हूं। अहमदियत में है तो अहमदियत का रिप्रेजेंटेटिव है। अब यह कि इजाजत दे खलीफा, खलीफा तो कभी भी इजाजत नहीं देगा और ना वो ऐसी बातों पर तवज्जो देगा। और यह भी उनकी बड़ी बात है, मैं कहता हूं जमात अहमदिया की, कि वो रास्ता हमवार कर रहे हैं कि आप हमारे खलीफा साहब से मिलें। तो ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन जिद्दबाजी में तो वो कभी नहीं आएंगे।
मोहतरम जाहिद खान साहब, देखिए आप हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के रेगुलर रेस्पेक्टेड मेंबर हैं। एक तो आपके पास माशाल्लाह वो स्टेटस है ही, प्लस इस वक्त आप क्योंकि रेस्पेक्टेबल स्पेशल गेस्ट का भी दर्जा रखते हैं, क्योंकि आपसे सवाल और जवाब की नशिस्त की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि आपको जो प्रॉपर जवाब दिया जा सकता है इन सब बातों का, वो जेब नहीं दे पाएगा। मैं आपको फिर बता भी सकता हूं, बट वो उन क्या कहते हैं उर्दू में तहजीब के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि आप इस वक्त एक हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेबल गेस्ट हैं। मैं इंशाल्लाह एडमिन मोड ओपन होने के बाद मैं आपको बात कर सकता हूं, बट अभी नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। रही बात मोहतरम खलीफा साहब के लिए, मैं री इन्विटेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोबारा से रिवाइज इन्विटेशन है और उसमें कुछ और वजूहत ऐड की गई हैं। मैं खालिद वास्ती साहब के नाम भी एक मैसेज इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूंगा, बट इसमें थोड़ा टाइम चाहिएगा सर, और मैं समझता हूं इस टॉपिक को अभी ही रहने दिया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये तो पहले खुदा के इंकारी थे, खुदा को देख नहीं सकते। अब इतना तो असर हुआ मेरी तालीमात का, मेरे देखे देखे खुद भी कह दिया कि सुबह सुबह मैंने भी खुदा को देखा, तो ये तो बड़ा मेरी तालीमात का असर है। तो मैं ये समझता हूं जब तक दो फरीक सामने नहीं आएंगे बात का फैसला ही नहीं होगा, तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये होगी कि जो चैलेंज वार जुम्मा साहब ने दिया हुआ है खालिद बस्ती को बहुत देर का, और वो कहेंगे तो वो वीडियो भी भेज देंगे खालिद बस्ती, वो कबूल फरमाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकअल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब, प्रेजेंट एडमिन टीम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जैसे आपकी मर्जी, हम तो खुल के भी बाहर भी अंदर भी जहां में ले जाएं, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने तो हजारों के मजमे में भी बात की, और 20,000 के मजमे में भी, और 30,000 के मजमों में भी, तो अगर वैसे बताएंगे तो वैसे बता दें, लेकिन जहां भी हमें सच्चाई लेके जाएगी हम तो जाएंगे। वेयर एवर ट्रूथ को ना लीड अस, दिस इज आवर यूनिवर्सल टीचिंग, यही है जो इंसानियत को घर पहुंचाएगी। ये बातें, खुदा हाफिज़।